ब्रेक में मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, वो ये था कि मैंने आपका इनका जो है क्यू एन फ्लेवर्स का आइसक्रीम सोडा, ठीक है, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी होती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इस पर बहुत अच्छा लगता है, जो गोले गंडे पे जो बर्फ पे डालते हैं ना, अच्छा ये हाँ ये मैंने ग्रीन लिया और मैंने इसमें अनार को ना ये जो इसका जैम था अनार का इसमें इसको वो कर लिया था, कलर आप देखें इसका चेंज हो गया है। और गर्मी में आपको पता है जब गर्मी होती है, गर्मी मारने के लिए आपको खट्टी चीज़ें खानी होती हैं, और खट्टी चीज़ों में मैं क्विन का डेट एंड टैमरिंड चटनी ले रही हूँ। आप लोग कहेंगे मैं इतनी क्या बना रही हूँ, अगर जब आप पियेंगी फिर ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बर्फ़ डाल दी हमने ग्लास में, चिल कर लें ग्लासेस को, अभी जल्दी थी, मगर मैं आपको एक बात बोलूँगी, ये मैंने गलत किया है, कभी भी इतने बड़े बड़े क्यूब नहीं डालने चाहिए, क्रश करके डालनी चाहिए आइस। थोड़ा सा मैं आपको कलर दिखाने के लिए, ये हमारा आइसक्रीम सोडा है, थोड़ा सा नीचे डाल दें, ठीक है, नीचे मैंने एप्पल्स डाले हुए और मिंट डाला हुआ है। ये आप लोग भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में बनाइए थे जो मैं सिखा रही हूँ, सही है, ये मैं निकाल दूंगी इसमें। अच्छा इस रिंग में मिंट भी है, मिंट भी, आइसक्रीम सोडा भी है, यस, और आपकी चटनी भी है, टर्मेरिक भी आ गया, बिल्कुल। अच्छा ये जब भी आप बनाएं प्लीज़ कोई बॉटल में ये ड्रेसिंग बनाएं ताकि डालने में आसानी हो, ड्रेसिंग नहीं ये ड्रिंक का, मैं ज़रा इसी से डाल रही हूँ, ना चीनी डाली, और जब बर्फ पिघलेगी इसका टेस्ट, नीचे हमने एप्पल डाल दिए इसके अंदर, आप इसका कलर देखें, और मेरे पास हाँ ये मिंट है, मिंट भी फ्रेश लीव होने चाहिए। अब मैं आपको दिखाना जो चाह रही थी वो ये था, मैंने एप्पल लगाया था यहाँ, आपने यहाँ लगाना है मिंट, फिर इसके ऊपर एप्पल, और एप्पल का जरा सा बड़ा पीस, ठीक है, फ्रेश मिंट हो, जब भी आप इसको स्टोर करें पानी के अंदर, थोड़ा सा पानी ग्लास में डालें फिर रखें, अगर आपने यहाँ तक पानी रखा ये मर जाएंगे, इतना पानी डाल के रखें इसकी जड़ें निकलेंगी, आप इसको उगा भी सकते हैं। मैं आपको इतने सारे टिप्स आपके प्रोडक्ट के साथ बता रही हूँ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज, आपको ज़रूर पसंद आई होगी, जरूर ट्राई करिएगा, और आप कोई गिफ्ट पैक्स नहीं दे रही, आप जो है सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो उसके ऊपर आपने काफी हमारी हेल्प करेंगे। हाँ जब आप फ्लेवर्स की, हाँ ये Q&N फ्लेवर्स की है जो हमने लिखा हुआ है आपके पास फूडी क्रिएटर्स, तो आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल, जब आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपको एक नहीं बहुत सारी गिफ्ट मिलेंगी, ये तो हम दिखाने के लिए इंशाल्लाह, हाँ ये सिर्फ सैंपल है, हाँ ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो माँ को खुश कर सकती हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।